सो हेलो एवरीबॉडी, माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड, जब से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग और टैक्सेशन रिटर्न वाला का ई फाइलिंग एंड टैक्सेशन रिटर्न वाला का वाइवा का डेट आया, तब से तो हमारे भाई और बहन लोग, मतलब आप लोग, तो इतना डरे हुए हैं जैसे कि बाप रे बाप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। भाई और बहनों, एज यू ऑल नो, पहले तो मैं आपको कुछ बातों को क्लियर कर दूं, फिर बता देता हूं कि कैसे क्या करना है आगे। इस छोटे से वीडियो में ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और शेयर जरूर करिएगा। अच्छा लगे तो शेयर करना, नहीं अच्छा लगे तो भाई समझ के शेयर कर देना, शेयर तो करना पड़ेगा, कुछ मोहब्बत बोल के भी कोई चीज है अपने बीच में। चलो आओ काम का बात सुनो। सबसे पहले देखिए, इसका एक स्टैंडर्ड सिलेबस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा ने बनाया, वो सिलेबस को पढ़ाई करके आप लोगों में 90% बच्चों के कॉलेज में, मैं ये लिख के दे सकता हूं बॉन्ड पेपर में, और आप भी कमेंट में लिख के बताइए, 90% बच्चों के कॉलेज में कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ ठीक से, कुछ भी पढ़ाई नहीं होता है ई फाइलिंग का और टैक्सेशन रिटर्न का। कुछ कुछ बच्चों के कॉलेज में कभी कभी लैब में बुलाता है और उसमें वो लोग टैली वैली थोड़ा बहुत करवा देते। अभी सवाल ये है कि सर ये तो कंसर्न है, बट नाउ हाउ विल दे टेक वाइवा एग्जाम और प्रैक्टिकल कैसे होगा? देखो प्रोजेक्ट तो आपने दे दिया है, असाइनमेंट अपने अपने कॉलेज का आपने बना के दे दिया या लेके जाओगे उस दिन जिस दिन आपका एग्जाम का डेट कॉलेज देगा? पहले तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में अपियर होना बहुत ही मैंडेटरी है। तो आप लोग, कुछ बच्चे ये सोच रहे कि हम प्रोजेक्ट दे दिए वाइवा नहीं देंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा बाबू, प्रोजेक्ट में अपियर होना, एग्जाम में अपियर होना वेरी वेरी मैंडेटरी। नाउ द थिंग इज क्वेश्चंस क्या पूछेंगे और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और आप लोगों में बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं वाइवा का थोड़ा क्वेश्चंस बता दीजिए। भाई और बहनों, फ्रेंकली स्पीकिंग, देखिए वाइवा एग्जाम जो होता है ना, जो प्रोजेक्ट का वाइवा होगा, जो आपका 100 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट होगा, उसका वाइवा के ऊपर पूरा डेडिकेटेड हम लोग एक वीडियो आपको देंगे। लेकिन ये जो ई फाइलिंग और टैक्सेशन रिटर्न है, इसका अगर आपको कोई भी व्यक्ति ये कह देते हैं कि वाइवा में यही क्वेश्चंस आएगा, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग चीज उन्होंने सिखाया है। अब जिस कॉलेज में जो चीज उन लोगों ने सिखाया है, वही चीज आपको उस दिन देंगे। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि सर मेरे कॉलेज में टीचर बोले हैं कि टैक्स का एक सम्स देंगे, तुम हमको मैनुअली बना के दिखा देना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा, मतलब आप लोग का काम हो जाएगा। कुछ कॉलेज में आपसे टैली से रिलेटेड कुछ वाइवा के क्वेश्चंस पूछा जाएगा, टैली कैसे शॉर्टकट की है उसको थोड़ा एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या होता है ये सब एक तो पता ही, आपको बेसिक नॉलेज है। उसके बाद कंप्यूटर का एक बेसिक आइडिया आपको रखने का है। 2-4-5 क्वेश्चंस आपसे वो नॉर्मली पूछेंगे कि भाई इसका शॉर्टकट की है क्या है बताइए, बस हमें जो प्रोजेक्ट आपको दिया गया वो प्रोजेक्ट ना आपसे पूछेगा ये तुमने कैसे क्रिएट किया बताओ, कंप्यूटर में कौन सा बटन क्लिक करके क्या आया वो बताओ। अब समझ रहे हम क्या बोले? तो जिस टॉपिक के ऊपर आपने प्रोजेक्ट बनाया उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद वाइवा के लिए कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन बोल के कुछ नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूं कि वाइवा के लिए ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, तो कहीं ना कहीं मैं भी गलत रहूंगा, बिकॉज देर कैन नॉट बी एनी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस फॉर डेडिकेटेड टू द वाइवा एग्जाम और द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस ऑफ ई फाइलिंग एंड टैक्सेशन रिटर्न। बट स्टिल व्हाट आई कैन सजेस्ट यू गाइस कि आप थोड़ा सा जो टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बनाए उसको एक बार रीडिंग मार लीजिए, ठीक है। और आप लोग डरते बहुत ज्यादा हो, डरिए मत। देखिए जिस दिन एग्जाम देने जाइएगा, फुल एकदम अच्छे से लुक में भाई कॉन्फिडेंस रख के जाइएगा। कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। और अभी तो मेन वाइवा देना बाकी है, तो प्रैक्टिकल का एग्जाम दीजिए, देने जाइएगा ई फाइलिंग वाला। तो कुछ कुछ कॉलेज जो है कंप्यूटर पे छोटा मोटा कोई टॉपिक आपको दे देगा, बोलेगा बनाने के लिए। वो जैसे आपके जो आगे के जो रोल नंबर वाले बच्चे अंदर जाएंगे ना, वो लोग जब एग्जाम दे करके बाहर आएंगे तो वो लोग आपको वहीं पर बता देंगे कैसे करना है। तो उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत करिएगा। अच्छा, अगर आप सोच रहे हो कि हम पूरा प्रैक्टिकल बढ़िया से कर देंगे, कंप्यूटर में अगर करवाया तो मेरा क्या होगा, कंप्यूटर में अगर हम पूरा कर देंगे तो हमको पूरा 40 में 40 देगा, उधर भी 40-80, इधर इंटरनल में 20-100 में 100 देगा। गाइस मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर आपको 100 में 100 मिल गया ना बच्चों, तो आप मुझे कमेंट, मैं भी यहीं पे हूँ, वीडियोस भी यहीं पे रहेगा, आप कमेंट बता देना कि हाँ भैया हमको 100 मिला कॉलेज से। देखिए क्या होता है ना, 70-75-65-70 ये 80 के आसपास एवरेज मार्क्स है जो आपको मिलेगा उसमें ई फाइलिंग वाला में एंड टैक्सेशन रिटर्न वाला में, ठीक है बाबा। तो उतना चाप लेने का कोई जरूरत नहीं है, जो जो छोटे छोटे बात बोले उसको ध्यान रखिएगा बस। हाँ, जो चीज का प्रोजेक्ट बनाए हैं उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लीजिएगा, ठीक है बाबू। और थोड़ा शॉर्टकट टैली का शॉर्टकट पढ़ लीजिएगा, फिर ई फाइलिंग और टैक्सेशन रिटर्न में टैक्स का बेसिक नॉलेज आपको होगा ही थोड़ा बहुत, ठीक है ना। और उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ITR 1 कब फाइल करते हैं, ITR 2 कब फाइल करते हैं, ITR 3 कब फाइल करते हैं, ये वाला एक बार पढ़ लीजिएगा। 26AS क्या है, ठीक है ना, TDS का फुल फॉर्म क्या होता है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब एक बार रफली रीडिंग मार लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से रेडी होना है। तो इस पर उतना दिमाग ला के छाप लेके फायदा नहीं है, जाइए अच्छे से एग्जाम दीजिए और कमेंट करके जरूर बताना आपको एक आइडिया मिला कि नहीं मिला, क्या आगे करना है। थैंक यू गाइज़।